नौजवान के खाते में नहीं गए। अब कांग्रेस की हालत यह है, कांग्रेस के नेताओं की हालत यह है, दोनों चुन्नू मुन्नू दिग्विजय जी और कमलनाथ जी, ये दोनों चुन्नू मुन्नू इतने कलाकार हैं कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे मैं भी सब दूर प्रचार कर रहा था, मैं भी देख रहा था हेलीकॉप्टर से कि चुन्नू की सभा में कितनी और मुन्नू की सभा में कितनी भीड़ है। मैं देखता था कहीं 50 की भीड़ और कहीं 100 की भीड़, लोग आते ही नहीं थे इनकी सभा में। फिर उन्होंने सिंधिया जी को, कैलाश विजयवर्गीय भले राष्ट्रीय महासचिव बन गए लेकिन आज भी उनका कद बहुत छोटा है, हल्की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बड़बोले हैं, बड़ी बड़ी बातें करने का उनका शौक है ताकि लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता हासिल कर सकें। अब वो कमलनाथ जो दिग्विजय सिंह जी को चुन्नू मुन्नू बता रहे हैं, कह रहे हैं कि चुन्नू मुन्नू की सभाओं में भीड़ नहीं होती थी 2018 में। अरे भीड़ नहीं होती तो 2018 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री कैसे बनते, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कैसे बनती, शिवराज जी घर कैसे बैठते? और 2018 में इन्हीं नुन्नू महोदय के पास मुन्नू को, पूरा संभाग की भाजपा को जिताने की जवाबदारी थी, लेकिन इन नुन्नू ने अपने मुन्नू को जिताने के लिए पूरी पार्टी को दांव पे लगा दिया। 37 सीटें छोड़कर ये नुन्नू महाराज अपने मुन्नू महाराज को जिताने में लगे रहे, पूरी पार्टी हार गई, सरकार नहीं बनी। ये हम नहीं कहते हैं, भाजपा के नेता खुद बयानबाजी करते हैं, खुद बयानों में कहते हैं कि शिवराज सरकार को हराने का काम, मुख्यमंत्री नहीं बने ये काम कैलाश विजयवर्गीय ने किया, इस नुन्नू महाराज ने अपने मुन्नू महाराज को जिताने में लगे रहे, पूरी पार्टी संभाग में हार गई। और ये इतने बड़े नेताओं के बारे में इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे सभा देखना हो तो शिवराज जी की देख लो, पूरी कुर्सियां खाली उस सावेर की सभा जिसमें आप खुद मौजूद थे, और कमलनाथ जी की तो रोज की सभाओं देख लो, पैर रखने की जगह नहीं है, आपका रंग उड़ जाएगा चेहरे का यदि भीड़ देख लेंगे तो। और निश्चित तौर पर भी परिणाम आजान दीजिए, पता चल जाएगा कौन नुन्नू है, कौन चुन्नू है और किस नन्नू ने अपने मुन्नू को जिताने का काम, कैसे पता चल जाएगा।